इस बार का बिग बॉस होने वाला है एकदम झकास। मतलब झकास इसलिए नहीं कि बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि ज्यादा मैं बिग बॉस से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, ये तुम्हें पता ही है। लेकिन बिग बॉस ओटीटी 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो शुरू होने वाला है, और होने के साथ साथ कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम कंफर्म हो चुके हैं। कुछ कुछ की फोटोज उन्होंने डाल दी हैं, वीडियोज डाल दी हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियोज डाल दी हैं। तो उनमें से कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं वो ये हैं, चंद्रिका दीक्षित, द बड़ा पाव गर्ल। बेसन कम था इनके पास, लेकिन बिग बॉस के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है इनसे निकालने के लिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीरज गोयल, जो बॉक्सर हैं, जिनको थोड़ी देर पहले UK07 को ट्रेन करते हुए देखा गया था, हालांकि वो ट्रेन करने लायक भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विशाल पांडे, जिनको हमने रील्स में देखा है, टिकटॉक में देखा है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई साहब, सारी दुनिया का बोझ जो उठाते हैं, एक नहीं दो दो बीवी साथ लाते हैं, अरमान मलिक इज इन द हाउस गाइज। और हाँ, कहा जा रहा है शायद उनकी दोनों वाइफ्स भी आ रही हैं, पायल एंड कृतिका भी आ रही हैं वहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शिवानी कुमारी, मैंने इनको ज़्यादा नहीं देखा, हालांकि मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट मनीषा रानी जैसा कंटेंट लाने की इनसे उम्मीद की जा रही है। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त नाम सामने आ रहे हैं। इस बार मेजर फोकस किया गया है OTT के कंटेस्टेंट्स पे। और एक और चीज़, साई केतन राव को भी लेकर आया जा रहा है, जो कि मेरे को लगता है कि TV एक्टर है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट करना। ये नाम सामने आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्पेसिफिकली होस्ट की, तो अनिल कपूर होस्ट करने वाले हैं, ये तो जग जाहिर हो चुका है, क्योंकि सिकंदर के शूट पे हैं सलमान खान, तो इस बार अनिल कपूर करेंगे। और मैं कहीं तक सोच रहा हूँ कि शायद अच्छा है, क्योंकि पहला सीज़न होगा अनिल कपूर का, शायद वो शो देख कर होस्ट करें, बिकॉज सलमान खान का केस तो ऐसे है, उन्होंने शो देखना नहीं है, जो स्क्रिप्ट उनको पकड़ा दी उन्होंने आके यहाँ पे फट 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 बोल दी, तो वैसे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ यहाँ पे एंटरटेनमेंट कोशन के नाम पे, एक और ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसको बहुत देर बाद आप लोग स्क्रीन पे देखोगे। हालांकि टाइगर में मेरे को उनका रोल बड़ा अच्छा लगा था, रणवीर शोरी यहाँ पे नज़र आ सकते हैं बिग बॉस OTT 3 के अंदर। और हाँ, लिटरली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे OTT वाले ही चलने वाले हैं। और एक और नाम बहुत ही ज़्यादा बाजे गाजे के साथ सामने आ रहा है, और वो आ रहा है लवकेश कटारिया, यानी के लव कटारिया, जो कि हैं एलविश यादव के दोस्त। इसके अलावा उनकी जो पदवी है वो ये है कि वो खुद भी एक OTT कंटेंट क्रिएटर हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ही इज़ गोइंग टू बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि कहते हैं ना पॉलिटिक्स में जब आप जाओ तो बैक स्ट्रांग होनी चाहिए, तो पीछे से एलविश का सपोर्ट आएगा, और एलविश एक ऑलरेडी बिग बॉस विनर हैं, और किस तरीके का सपोर्ट आता है जब एलविश बोलता है सबको पता है, तो भाई एक अच्छा कंटेंडर साबित हो सकता है लवकेश कटारिया। बाकी ओवरऑल ये जो कंटेस्टेंट्स हैं, इनका मेरे को नाम अभी तक समझ में आया कि ये बिग बॉस के अंदर नज़र आ सकते हैं। आप लोग इनमें से किसको सपोर्ट करने वाले हो ये ज़रूर बताना। और एक नाम मैं और लेना भूल गया, वो हैं हमारे रैपर नेजी भाई, वो भी आ रहे हैं, जिनके ऊपर गली बॉय बनी थी। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस बार का बिग बॉस का जो सीज़न होने वाला है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कलेश तो पक्का होगा, लेकिन बिग बॉस को अगर यहाँ पे लोगों को एंगेज करना है तो उनको डेली टास्क करवाने पड़ेंगे, जो कि पिछले OTT में मिसिंग थे। वो तो ये था कि क्रिएटर्स ऐसे आ गए थे कि लोग इन्वॉल्व रहे, लेकिन अगर इस बार ये लोग टास्क नहीं करवाते हैं तो बिल्कुल बोर होने के चांसेस हैं। बट आई कैन स्टिल ट्रस्ट फ्यू पीपल who can take up the fights to next level। तो भाई आप किसको सपोर्ट करने वाले हो, और आप क्या चाहते हो कि मैं किसको सपोर्ट करूं, कमेंट्स में बताना। बिकॉज देखो, मेरा मन दो या तीन लोगों को सपोर्ट करने का बहुत है। एक तो नेजी, जिनके गानों पे मैं रिएक्शन भी करता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेजी के बाद लवकेश कटारिया, क्योंकि भाई अपन एलविश को भी बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे तीसरे नंबर पे अरमान मलिक, उसका रीज़न क्या है कि अरमान मलिक भाई ने एक बार मेरी वीडियो को शेयर किया था एंड मुझे उससे काफ़ी सपोर्ट मिला था, एंड आई थिंक वी शुड बी सपोर्टिंग हिम ऑल्सो। तो ये तीन लोगों को फाइनल तक तो अपन एटलीस्ट सपोर्ट करेंगे, फाइनल में एज पर गेम डिसाइड करेंगे कि हम किसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो गाइज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपना फेवरेट कंटेस्टेंट्स ज़रूर लिखना नीचे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद बहुत जल्दी।